उनका अभी डाइस ही चल रहा है कि वो नेक्स्ट लोकेशन में साथ ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, तो सोलो ट्रैवलिंग भी हो जाएगी। तो कुछ पहनने के लिए कुछ एस्थेटिक चाहिए, तो कुछ एस्थेटिक के लिए हम एस्थेटिक शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो भाई आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी चीज बनने वाली है, हमारा भाई बनाएगा वो। रावत की प्याज की कचौरी खाया गया 10 कचौरी एक बार सेम खा लेगा ना ब्रेड ला और नहीं खाया तो नहीं खाया तो नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डी फिट व्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों फाइनली अपना कॉलेज दोबारा चालू हो चुका है, चालू तो था ही पर अपन ने छुट्टियाँ ले रखी थी गोलीबा की शादी के लिए, फिर 3 दिन की छुट्टी ऐसे आ गई थी, शिवरात्रि आ गई थी, सेकंड सैटरडे आ गया था, संडे आ गया था, तो फाइनली आज से कॉलेज कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात मेरी हो गई है कि कॉलेज का टाइम टेबल रीशेड्यूल हो गया है, और जो 12 बजे का टाइम था वो 9 बजे का टाइम हो गया। तो गाइस अब बढ़िया रहेगा क्योंकि 9 बजे क्लास चालू हो गया ना, 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे, फिर जो काम पेंडिंग रहता है वो कॉलेज में पूरा हो सकता है और बाकी चीज़ें भी करने को रहेगी यार। क्योंकि पहले ना 12 बजे का टाइम था 12 से 4, तो मतलब 12 से पहले का टाइम वेस्ट, फिर 4 बजे बाद टाइम वेस्ट, तो वो चीज़ होती थी। तो अब टाइम थोड़ा शेड्यूल हो चुका है बढ़िया, तो अब जो पेंडिंग काम है ना वो प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे। तो गाइस ट्रैक पर आ रहे वापस क्योंकि मैं निकलूँगा यहाँ से 15 को, टिकट विकेट सब हो चुकी है पूरी, आपको उसी दिन पता लगेगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो आपको बता ही दिया मैं बाई ट्रेन और बाई बस ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन मतलब 2 लोकेशन कवर करने वाला हूँ मैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पहले ही, और बेल आइकन छोटा सा दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, गुस्सा मार दीजिए उसके ऊपर ताकि आपको लाइव अपडेट मिलती रहे। तो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है ट्रिप के ऊपर, बहुत ही फन ट्रिप होने वाली है, और हो सकता है गाइस अभी 50-50 है कि मैं मतलब इस लोकेशन जो पहली लोकेशन हमारी रहेगी उस पर तो हम सारे साथ जाएंगे कॉलेज ट्रिप पूरी, मतलब जो भी हमारा 6-7 जनों का ग्रुप है वो पूरा जाएगा। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट लोकेशन जो होगी ना, उससे नेक्स्ट लोकेशन पे क्या होगा कि क्या तो वो मेरे साथ चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो मैं सोलो जा रहा हूँ भाई। मैंने जो मेरी टिकट्स करा ली है प्रॉपर, मेरी टिकट तो आने की भी हो चुकी है वापस, तो मेरा तो शेड्यूल्ड प्लान है एकदम, मेरा तो स्टे भी डन हो चुका है। पर जो मेरे साथ जा रहे हैं जो फर्स्ट लोकेशन पे, उनका अभी डाइस ही चल रहा है कि वो नेक्स्ट लोकेशन मेरे साथ ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं भाई। मैंने तो उनको बोल दिया था, बोला भाई तुम चलो या ना चलो मैं तो जाऊँगा, ये मेरे को तो बहुत अच्छा है भाई, तो सोलो ट्रैवलिंग भी हो जाएगी और बढ़िया मज़े हो जाएंगे, क्योंकि यार ये चांस ना बार बार नहीं मिलते। और ना जो लोकेशन में जा रहा हूँ ना वहाँ पर मैं मतलब देख लो ऑलमोस्ट 2-3 टाइम जा चुका हूँ, तो सिर्फ वही लोकेशन पर जाना मेरे को रास नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ जा रहे हैं तो चल सकते हैं, अगर वहाँ नहीं जा रहे तो क्या मतलब है, तो गेस कर सकते हो आप मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर देखते हैं। चलो गैस फटाफट पहुँचते हैं कॉलेज, की कॉलेज का टाइम भी हो रहा है, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ तो भाई कॉलेज से फ्री हो गए, आए भाई हमारे भाई प्रिंस के पास, प्रिंस को अदलाबदली करनी थी थोड़े दिनों के लिए, मेरी वेस्ट ट्यूब लगा रहा है अपनी गाड़ी में और इसकी वेस्ट ट्यूब अपनी गाड़ी में लगा रहा हूँ। देखिए भाई मेरी वाली वेस्ट ट्यूब भी लगाएगा थोड़े दिन के लिए, और इसका वाला पेज बॉक्स मेरी गाड़ी में लगाऊंगा, करता रहता कारिस्तानी है। तो गाइज हम कुछ काम से जा रहे हैं मार्केट सिकर हाउस, तो अभी मेरे साथ है ये लम्बू, तो ये लम्बू मेरे को परेशान कर रही है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो अभी हम जा रहे हैं सिकर हाउस गाइज, सिकर हाउस में शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी जिस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ उस ट्रिप पे कहीं एक एक ओकेजन है उस पर कुछ पहनने के लिए कुछ एस्थेटिक चाहिए, तो कुछ एस्थेटिक के लिए हम एस्थेटिक शॉपिंग करने जा रहे हैं।
एस्थेटिक के फोटो मतलब अच्छा हाँ ज्यादा बोल रही है लंबू। तो गाइस फटाफट चलते हैं सिक्कर हाउस, देखते हैं कितनी दुकान खुली मिलती है, फिर क्या क्या मिलता है, कैसे क्या होता है, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फैब्रिक तो ले लिए, अब चल रहे हैं हम दाई वाले के पास बात करने। एक बार दाई वाले साथ छुट्टी पे क्या होगा यार, आज हमारे भाई के पास अभी अंकल भी बैठे हैं इसलिए थोड़ा फॉर्मल बन रहा है, रियल रियल बॉस बैठे हैं। तो भाई आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी चीज बनने वाली है, हमारा भाई बनाएगा वो, दिखाते हैं आपको। टी शर्ट से 2 इंच ज्यादा ले लो, टी शर्ट से 2 इंच ज्यादा बस। या उसमें जैकेट कैसे दिख रही है, बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? तो अब आ गया ना दोबारा, एक महीने बाद सिद्धार्थ इज बैक, माय गर्लफ्रेंड इज बैक, बॉयफ्रेंड बोलता दादा सही था, गर्लफ्रेंड। तो भाई बस खाना वाना खा के रात का निकले थे, तो भाई खोल रहा है रेस्टोरेंट, चालू है रिकॉर्डिंग के, चालू बंद हो। तो गाइस भाई खोल रहा है रेस्टोरेंट, थोड़े दिनों में ओपनिंग, कब ओपनिंग है? जल्दी है भाई ओपनिंग, जल्दी है, आज मुहूर्त था भाई का, तो वही दिखा जगह दिखाने लेके जा रहा है मेरे को। भाई खोलेगा वेज या नॉन वेज? प्रॉपर प्रॉपर नॉन वेज ज्यादा फोकस करा, नॉन वेज ज्यादा फोकस करा है। और जो परसों आपको ध्यान होगा तो परसों में चाय बाग बैठा था उसके पास ही खोला भाई ने, अभी लोकेशन देख के बताते हैं आपको, आपको भी दिखाते हैं। और बाकी फिर ओपनिंग पे तो भाई खैर जाना है, खैर आप सभी को आना ही जाना है ही, तो वो तो आप फूड टेस्ट कर, मतलब टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपना वो है अधिकार है कि भाई यहाँ टेस्ट तो है ही। तो भाई चलते हैं जगह देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मैंने अभी तक देखी नहीं जगह। तो गौतम ने देख ली है? गौतम ने देखी बस, और किसी ने नहीं देखी। चलो हम भी देख लेते हैं जगह, चलेगा इस वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। आधा कच्चा पड़ा हुआ है भाई, आधा कच्चा पड़ा हुआ मतलब अभी कुछ तैयार नहीं हुआ यार, टाइम लगेगा थोड़ा। जगह देखने जा रहे हैं बंदा, जगह तो स्पेस काफी अच्छा है अपने पास हर चीज के लिए। चलो भाई देख के पता करते हैं फिर। खाली जगह में कुछ करोगे क्या? को रहता है घर खाली ये वाला? अच्छा तैयार हो जाएगा तो यार। तो ये भी काम कराएगा अभी अपने सीढ़ियों वाला, राजस्थानी किचन। ये तो संजू है, ये मोनी का लड़का है। ये पावर लिफ्टर हमारा भाई। भाई ये आउट अंडर सीटिंग है और आउटर, क्या शर्त है बता, क्या शर्त है बता, बता यार क्यों सर भरा, तू कर लेगा फिर। शर्त ये है कि रावत की प्याज की कचौरी खा गए 10 कचौरी एक बार, सेम खा लेगा ना ब्रेड ला, और नहीं खाया तो नहीं खाया तो डबल पैसे देगा इसको, और अगर खा लिया तो तू पैसे देगा इसको, ठीक है? मैं तो पैसे दे रहा हूं, तू तो दे ही रहा है वैसे भी, तू तो मंगा ही रहा है, तो उसके 500 ऊपर ये तो दोगे ना डबल, 500 का माल आया था पानी ये तो कचौरी खिलाऊंगा, पर पैसे भी तो खिलाने गए, ये लगे साफ कर रहा है।